अच्छा भाइयों, मुझे आपसे बहुत शिकवा है और गिला है। मैं आपको पसंद भी करता हूँ, लेकिन आप बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैं हैरान हूँ आप क्यों करते हैं। जब इमरान खान साहब का केस चल रहा था नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना के बारे में, तो मैंने एक दिन कह दिया जी कि कभी वकील भी केस हरता है, केस तो मुवक्किल हरता है। आपने चला चला के उसको फावा कर दिया। फिर मैंने अदालत में कह दिया, क्योंकि हामिद खान साहब वकील थे और मैं उनको असिस्ट कर रहा था, मैंने कहा जी मैं तो स्टप नहीं हूँ, आपने उसका कर दिया। कल मैंने अजराए मजाक और मजाक होना चाहिए, आपको पता है मुझे मैयतों पे नहीं लोग बुलाते, उनको डर होता है कि आखिरी लतीफ़ा सुनने के लिए मुर्दा ना जाग जाए। मैंने क्या कहा है कल, मेरे चीफ जस्टिस ने एक बच्चियों के साथ जहाज़ में फ़ोटो खिंचाई है, वो बेटियां, भाई मेरी हर बच्ची मेरी बेटी है, बहन है, मैं तो बेटी और बहन के अलावा बात नहीं करता, मेरा चीफ जस्टिस वैसे करता है। आपने उसको कर दिया, फैला दिया। अब मैं वाज़े तौर पे आपको बता दूं, मैं इस चीफ जस्टिस को एक अजीम जज और एक अजीम इंसान समझता हूं। उनको क्या ज़रूरत है पानी की, उनको क्या ज़रूरत है गंदगी साफ़ करने में, आराम से बैठे रहें, हक शुफा के केस करें, अपना काम कर जाए, आप कहते हैं अपना काम, लेकिन जिन्होंने काम करना है अगर वो नहीं करेंगे, और चीफ जस्टिस साहब ये काम कर रहे हैं, और मैंने सिर्फ अजराए मजाक की बात की कि आपने फ़ोटो खिंचाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इकबाल का शेर एक है कि सुल्तानी दिल, सुल्तानी दिल, अगले मिसरा भूल गया आ जाएगा। हुक्मरान सुल्तानी दिल हुक्मरानी नहीं, फ़कीरी है भाई। लोग पसंद करते हैं उनको, वो काम कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है। उकाड़ा में गंद पड़ा हुआ है, वहाँ से मैयत नहीं उठाई जा सकती, वो कहते हैं भाई मैयत उठा दो यार, ये साफ़ करो, अगर आपका मुद्दा। इसलिए मैं अपनी अदलिया के बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहता, ना मैं सुनता हूँ ना मैं करता हूँ। फ़ख्र करे ये कौम कि इस वक्त अदलिया जागी हुई है और कौम का काम कर रही है। क्या काम कर रहे हैं वो अपना, एक बात बता दें मुझे जो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए की। हफ्ते को वो बैठते हैं, इतवार को वो बैठते हैं। अगर वो कराची में पानी जो माफिया है उसके बारे में बात करते हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर वो इंक्रोचमेंट जो हो रही है जिस पे कोई काम नहीं कर रहा, वो कहते हैं इंक्रोचमेंट हटाओ। तो इसलिए आप जो कल मैंने अर्ज़ किया था, वो तो मैंने खुशी में अर्ज़ किया था कि आपकी फ़ोटो खिंचाई जा रही है। आपने आज सारी अखबार, कल सारा दिन चलती रही हैं आप टेलीविजन पर, मेरे मतलब ताड़े को होर कोई ख़बर नहीं आई, ऐस तो अलावा भैड़े हो इसलिए अदलिया के बारे में ना मैं सुनता हूँ ना मैं करता हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि उस दौर में ज़िंदा हूँ जब अदलिया अंगड़ाई लेके बाहर निकली है और वो काम ऐसा कर रहे हैं जो इंशाल्लाह तारी। एक एजाज़ अफजल साहब हैं, खान साहब, एजाज़ अफजल नहीं उनका नाम, मैं उनके बारे में कहता हूँ, वो एक दफ़ा अदालत में मुस्कुरा के मुझसे सवाल पूछे, मैंने कहा आप मुस्कुराए ना, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं मुझे लगता है केस ठुकने लग गया। यार ये बातें होती हैं अदालत में, आप उसको एक कहानी एक अफसाना बना के पेश करते हो। बिल्कुल मैं चीफ जस्टिस जो है इंसान, जो वो काम कर रहे हैं, मैं उनकी बेशुमार अकीदत करता हूँ और उनसे इश्क भी करता हूँ।